बिहार में मंगलवार को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे और बीच बीच में बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। गुरुवार से राज्य में एक बार फिर से बारिश का दौर थम जाएगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अभी राज्य में गर्मी एवं उमस का एहसास होता रहेगा। सोमवार को पटना सहित 12 जिलों के 30 स्थानों पर भारी एवं हल्के से मध्य स्तर की बारिश हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार को पूरे बिहार में ठनका की आशंका बन रही है। सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में एक दो जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। पिछले दो दिनों के भीतर राज्य में सामान्य से 389% अधिक बारिश हुई है। राजधानी पटना के आंकड़े पर नजर डाली जाए तो ये बीते दिनों सामान्य से 238% ज्यादा पानी गिरा है। सोमवार को पटना सहित 22 जिलों के तापमान में बढ़ोतरी और 9 जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे गर्म जिला 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सीतामढ़ी रहा। पटना के तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। पटना का अधिकतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। बिहार में दो सालों के बाद अक्टूबर में भी लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अक्टूबर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की संभावना बनी हुई है। इस कारण पटना सहित पूरे प्रदेश में उमस भरी गर्मी रहेगी। 2020 के अक्टूबर में राज्य का अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अलनीनो के मजबूत होने से तापमान बढ़ा रहेगा। अगस्त से अलनीनो बढ़ना शुरू हुआ जो सितंबर और अक्टूबर में भी बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जहां जहां ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है, मौसम विभाग ने उन सभी जगहों पर सावधानी बरतने की अपील की है और सभी लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। जितना हो सके सावधानी बरते, बिजली उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा ना करे और खुले आसमान के नीचे ना जाने जैसे कार्य जरूर करे। रिपोर्ट देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।